जय प्रकाश से, लोहिया से, इनसे ज्यादा विद्वान आज के डेट में पार्लियामेंट में लोग हैं क्या? हमारे इन बड़े लोगों को 370 और 371 याद नहीं था? इससे साफ संकेत मिलता है कि कोई विदेशी ताकत है जो हमारे देश के कुछ व्यक्ति, कुछ समुदाय के हाथ हो हमारे देश के आपसी भाईचारा और पूर्वजों का दिया हुआ संविधान खंडित करने का। कल का दिन काला दिन था। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 370 के पक्ष में नहीं थे, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस देने के पक्ष में नहीं थे। खैर, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। पार्टी के तमाम नेता इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की सराहना भी कर रहे हैं। धनबाद से विधायक राज सिन्हा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब दो मुद्दे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। एक तो कश्मीर का धारा 370 और राम मंदिर, और यह आज का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से, बल्कि हमारे जो जनसंघ के राष्ट्रीय जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कश्मीर के अंदर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, इसी मुद्दे पर उन्होंने